चिंकी की ड्राइंग क्लास। गट्टू और चिंकी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो अब उनके सब्जेक्ट्स भी बढ़ रहे थे। इसीलिए स्कूल में अब उन दोनों के लिए पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, अब वो कंपलसरी बन गया। उस सब्जेक्ट का नाम था ड्राइंग। चिंकी को ड्राइंग काफी पसंद था, लेकिन जब भी चिंकी ड्राइंग का नाम सुनती तो उसे टेंशन आ जाता था, क्योंकि उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी और उसके कारण उसे एक बार बहुत डांट भी लगी थी। कुछ दिनों पहले चिंकी के क्लास में सर ड्राइंग पढ़ा रहे थे। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि मोर का चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सर की तरफ देख रहे थे। सबका ध्यान सर ही की तरफ था, लेकिन चिंकी अपना खुद अलग से ड्राइंग बना रही थी। और अचानक सर की आवाज आई, तो ड्राइंग कौन बनाएगा? यहाँ ब्लैक बोर्ड पर चिंकी बेटा तुम आओ। चिंकी का तो ध्यान ही नहीं था, सो वो ड्राइंग कैसे निकालती? उसने अपनी गलती मान ली और सर को बताया। सर, जब आप सिखा रहे थे तब मैं अलग ड्राइंग बना रही थी, मेरा ध्यान नहीं था। फिर क्या था? सर ने चिंकी को डांटा और तब चिंकी ने ठान लिया कि वो मोर का ड्राइंग सीख कर ही रहेगी। चिंकी को ड्राइंग वैसे भी बहुत पसंद था, बस उसे थोड़ा सीखने की जरूरत थी। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आए। गट्टू जोर जोर से हंसने लगा और चिंकी मायूस हो गई। लेकिन तभी मम्मी वहाँ आ गई। बच्चों, मस्ती नहीं। मम्मी, ये गट्टू मुझे चिढ़ा रहा है मेरी ड्राइंग को लेकर। क्यों गट्टू, ऐसा नहीं करना है। इसे मोर का ड्राइंग बनाना नहीं आया। चिंकी बेटा, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारा रेनबो ड्राइंग क्लासेस में एडमिशन करवा देते हैं, तुम टेंशन मत लो। इसलिए चिंकी का मूड उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मम्मी ने ड्राइंग क्लास के बारे में कहा, चिंकी खुश हो गई। मम्मी ने ये देख लिया था। इसके बाद गट्टू चिंकी दोनों की ड्राइंग क्लास में एडमिशन हो गई। क्लास का नाम था रेनबो ड्राइंग क्लास। क्लास में पहुंचने पर सभी बच्चे एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि आज से उनकी ड्राइंग की क्लास शुरू होने जा रही थी। सबके चेहरे पर स्माइल थी और सभी अपनी अपनी लाई हुई चीजें दिखा रहे थे। देखो देखो, मैंने वाटर कलर्स लाए हैं। तुम्हारे पास कौन से कलर्स हैं गट्टू? मेरे पास है पेंसिल कलर्स। देखो ये कितने सारे कलर्स हैं। मैंने तो यार वैक्स कलर लाया है, मुझे पेंटिंग्स में रंग भरना अच्छा लगता है। सभी दोस्त एक दूसरे को कलर्स दिखा रहे थे और अपने अपने प्लान्स बता रहे थे। भूषण ने वाटर कलर लाए थे, तो उसने अपने बैग से ब्रश भी निकाला और वो पूरे क्लास को दिखाने लगा। डंटडन, और ये है मेरा हथियार, एक ब्रश, जिससे मैं बनाऊंगा अलग अलग ड्राइंग। और तुरंत उसके बाद गट्टू ने हाथ में ब्रश लिया और कहा, ये तो बहुत बढ़िया ब्रश है भूषण, वाओ, मैं भी इससे ड्राइंग बनाऊंगा, वो भी अलादीन का चिराग। सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन चिंकी जो हमेशा उछलती कूदती थी, आज वो शांत बैठी थी। तो गट्टू ने उससे पूछा, चिंकी तुम कौन सा ड्राइंग बनाओगी? चिंकी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लगता है चिंकी ड्राइंग बनाना ही भूल गई। क्लास में बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं, और तभी ड्राइंग सिखाने वाले सर वहाँ आ पहुँचते हैं। रेनबो क्लास में सिखाने वाले ये सर ड्राइंग सिखाने में बहुत फेमस थे। आते ही उन्होंने सब बच्चों से बातचीत करनी शुरू कर दी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? आज से मैं तुम्हारा ड्राइंग टीचर हूँ, ठीक है? तो अब मैंने जैसे अपना नाम बताया, वैसे सभी अपना अपना नाम बताएंगे। और साथ ही मुझे ये बताना कि आपको कौन सा ड्राइंग निकालना अच्छा लगता है। एक एक करके बच्चे अपना नाम बता रहे थे, और साथ ही मैं उसे कौन सा ड्राइंग निकालना है उसका नाम भी बता रहे थे। गट्टू ने कहा, मुझे अलादीन का चिराग निकालना है। इसके बाद भूषण ने कहा, मुझे पानी में तैरती जहाज का ड्राइंग बनाना है। सब ने अलग अलग चीजें बताई, और जैसे ही चिंकी की बारी आई तो वो चुप थी। तो सर ने कहा, बताओ चिंकी, तुम्हें कौन सा ड्राइंग निकालना पसंद है? अरे अरे डरो मत, यहाँ हम सारे तुम्हारे दोस्त हैं। सर, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं आती, मुझे डर लगता है कि मैं खराब ड्राइंग ना बनाऊं। इसमें डरने की क्या बात है चिंकी, मैं तुम्हें अच्छा ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। बात ये थी कि मम्मी से ड्राइंग वाले सर को ये पता चला था कि चिंकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत होशियार है, ड्राइंग भी निकालना उसे आता है।
बस उसे और शार्प बना दो ड्राइंग सब्जेक्ट में। तो सर ने चिंकी को क्लास के बाद कहा, चिंकी बेटा यहाँ आओ। जी सर। चिंकी, मैंने सुना है तुम सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी हो, है ना? लेकिन सर ड्राइंग बहुत हार्ड लगता है मुझे। लेकिन तुम्हें ड्राइंग पसंद तो है ना? हाँ। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, और जो हमें पसंद है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। अगर हम मन लगाकर काम करते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, तो सब हार्ड चीजें इजी हो जाती है। उसी तरह ड्राइंग भी है। तुम एक काम करो, कल तुम्हें जैसा आए वैसा एक ड्राइंग निकाल कर लाना। क्लास के बाद जब गट्टू चिंकी घर आते हैं तो मम्मी पूछती है, गट्टू चिंकी कैसी रही तुम्हारी ड्राइंग की क्लास? हम सब अलग कलर्स लेकर आए थे, और पता है भूषण तो कलर्स का ब्रश लेकर आया था, और हमें होमवर्क में ड्राइंग निकालने के लिए भी कहा है। तुम बताओ चिंकी। हाँ मम्मी, बहुत मजा आया। सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया। अब चिंकी के चेहरे पर पहले जैसी मायूसी और डर नहीं था, वो भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रही थी। मम्मी समझ गई थी कि चिंकी का ड्राइंग को लेकर जो डर था वो खत्म हो गया है। बाद में गट्टू और चिंकी ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई और दूसरे दिन क्लास में उसे लेकर गए, तो सर ने सभी को दोनों की ड्राइंग दिखाई। सभी बच्चे गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाएंगे। सर के कहते ही पूरे क्लास में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। गट्टू तो अच्छी ड्राइंग निकालता ही है, लेकिन चिंकी जो कल तक ड्राइंग सब्जेक्ट से डरती थी, उसने भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। उस दिन से चिंकी को ड्राइंग सब्जेक्ट सुनकर कभी डर नहीं लगा। हार्ड लगने वाला ड्राइंग सब्जेक्ट चिंकी के लिए आसान बन गया। वेरी गुड चिंकी, अब ऐसे ही अलग अलग ड्राइंग बनाते रहना। हाँ सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं अच्छी ड्राइंग बना सकती हूँ। उसके बाद जब बच्चों की एग्जाम हुई तो चिंकी को ड्राइंग में बहुत बढ़िया मार्क्स मिले थे, उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। इस तरह रेनबो ड्राइंग क्लास में चिंकी का ड्राइंग और भी बढ़िया हुई, और उसके बाद चिंकी ने बहुत से चित्र बनाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।